हाय दोस्तों, मेरा नाम है वंदे भारत। आप देख रहे हैं ट्राई रिव्यू। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी भी बजाइएगा जब सब्सक्राइब कर लिया होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है। 97 करोड़ की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली ये ट्रेन बनी है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में सिर्फ 18 महीनों में, जिसमें कम्फर्टेबल सीट से लेकर GPS पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमराज और इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैक फैसिलिटी, साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस को खास बनाती है। इसमें लगी 180 डिग्री तक घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, डिफ्यूज लाइटिंग और रीडिंग लाइट्स। आराम के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, तभी तो इस ट्रेन में लगे हैं ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर्स और ऑटोमेटिक स्टेयर्स जो केवल ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात तो ये है कि जहाँ बाकी रेलगाड़ियाँ दिल्ली से वाराणसी पहुँचाती हैं 13 से 15 घंटों में, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 8 घंटे में पहुँचाएगी। ये सारी बातें बनाती हैं इसे एक एडवांस ट्रेन। वैसे जानते हैं ये ट्रेन बनी है भारत में मेक इन इंडिया के तहत। जरा सोचिए कैसा होगा जब अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी कई ट्रेनें तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दौड़ेंगी, तो हम कितनी तेजी से न्यू इंडिया की ओर बढ़ेंगे।